नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस समय हम मौजूद है होलोंगी गेट ईटानगर में श्री हाबुंग दोन्यी सर को रिसीव करने, जो लास्ट 70 डेज से ऑल ओवर इंडिया में 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कवर कर चुके हैं। मैं आप सबको बता दूँ, मिस्टर हाबुंग दोन्यी सर 14 अक्टूबर 2021 को ईटानगर से अपनी जर्नी शुरू किए थे और आज 24 दिसंबर 2021 यानी 70 डेज के बाद आज वापस आ रहे हैं। हाबुंग वेलफेयर सोसाइटी कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लोग हाबुंग दोन्यी सर को यहाँ रिसीव करने होलोंगी गेट पे आए हुए, तो आइए जानेंगे उनसे। मेरा नाम हाबुंग तागो है। हम हाबुंग वेलफेयर सोसाइटी कैपिटल कॉम्प्लेक्स का चेयरमैन हूँ। तो मेरा भाई हाबुंग दोन्यी एफिसेस है, वेरियस कैपेसिटी में वो काम किया था। इवन करादादी में डिप्टी कमिश्नर भी था। अभी प्रेजेंटली वो जो रजिस्टर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो सोलो बाइक में यहाँ से लेकर के हर एक स्टेट को टच करते हुए, हर एक कैपिटल सिटी को टच करते हुए ऑल इंडिया को दौर किया है। इसलिए हम लोग सोचा है कि इसको रिसीव करूँ, आज का दिन को उसको रिसीव करने के लिए आया है। तो वही है मेरे तरफ से। तो होलोंगी में है, चेक गेट पे है, वो जब जब आ जाएगा उसको रिसीव करूँगा। अभी तैयार है वो, अभी विश्वनाथ सारियाली को पार कर चुका है, तो जस्ट उसको रिसीव करने के लिए। मैं हाबुंग पिलिया, हाबुंग वेलफेयर सोसाइटी यूथ विंग का चेयरमैन। मैं जीरो से खास करके मेरा बड़ा भाई हाबुंग दोन्यी को रिसीव करने के लिए इन बिहाफ ऑफ एंटायर हमारा जीरो का जितने हाबुंग फैमिली है उसका बिहाफ में मैं यहाँ पर आया हूँ। और फिलहाल हम अभी होलोंगी चेक गेट पे हूँ और बहुत जल्द हमारा बड़ा भाई ऑल इंडिया को टूर करके, उन्होंने ऑलमोस्ट 25 स्टेट कवर किया है। तो ये एक इट्सल्फ एक हिस्ट्रिकली ये एक इवेंट होगा, क्योंकि सो पर जहाँ तक माई नॉलेज गोस कि परहैप्स नोटिस में ये द फर्स्ट ऐसा सोलो राइडर होगा जो ऑल ओवर इंडिया को, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट को टच किया है। के सबसे पहले तो आपने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, उसके लिए मैं थैंक्स देना चाहूँगा। और इनफैक्ट मैं सबको, मेरे भाइयों और मेरा आतो साइड से भी आया हुआ है, उन सबको मैं थैंक्स देना चाहूँगा। ये रिसेप्शन तो सच में रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी। मैं इस तरह का रिसेप्शन उम्मीद नहीं किया था, फिर भी उन लोग ने ये बड़प्पन दिखाया, इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, आपने ये पूछा कि मेरा एक्सपीरियंस तो ये है मैडम कि मेरा भाइयों से मेरा यही कहना है कि दुनिया सुंदर है, घूमने निकलना चाहिए और लोग भी अच्छे हैं। सर, हर कोई मतलब ऐसे कोई जैसे कि आप जैसे कि पूरा इंटायर 25 स्टेट कवर किया है, यूनियन टेरिटोरीज में भी आपने कवर किया है, तो हर कोई जाते हैं कुछ मकसद के हिसाब से। कोई लोग अपने पर्सनल चॉइस से जाते हैं, कोई लोग मैसेज पॉजिटिव मैसेज पहुंचाता है, तो आपका क्या मोटिव था? मेरा एग्जैक्टली मोटिव बोल के नहीं था, एक्चुअली मेरा पहले से ही एक शौक रहा है कि मैं घूमूँ, दुनिया देखूँ और आदमी से मिलूँ। तो पहले भी जब भी मौका मिला मैं ऐसे घूमने निकलता था मैं, तो इस बार भी यही हुआ। एक्चुअली ये था, मैं पहले लद्दाख भी जा चुका हूँ, तो लद्दाख भी उसी तरह से मैं जब से मैं जवान था तब से ही मेरा एक इच्छा था कि मैं लद्दाख में एक चक्कर काट के आऊँ मोटरसाइकिल लेके। तो ये उसका एक्सटेंशन है ये। तो मेरा यही है कि एक जगह मोटरसाइकिल लेके जाऊँ, रास्ते से जाऊँ और मैं आदमी को मिलूँ, और जो रास्ता से अगर खुद जाएगा तो फिर जो उस जिस कंडीशन में आदमी है, रास्ता कैसे है, तो उसको जो है नज़दीक से देखने को मिलता है। तो मेरा मकसद वही था। यस, कुछ जगह पे हाँ कुछ लोग अरुणाचल का बारे में अनजान थे, लेकिन ज़्यादातर लोग तो मुझे लगा कि अरुणाचल का बारे में आजकल जानता है। और कुछ लोग जब देखा कि मेरा रजिस्ट्रेशन AR है, मैंने इन लोग का अपना स्टेट का नहीं है, तो कुछ जवान लड़का खास करके जो मोटरसाइकिल में थे, तो जब मैं ऐसे रास्ते से गुजर रहा था इन लोग भी पीछे करके ओवरटेक करके भी हमको मिला, अच्छा से बात किया, तो पूछा कि कहाँ से है,
रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, तो इस तरह से मेरा बात हुआ। और कुछ जगह पे पर्टिकुलरली कुछ जहाँ में मैंने रुका होम स्टे, तो उधर भी होम स्टे का जो मालिक है इन लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो आप यंग यूथ्स को आप मतलब मैसेज देना चाहते हैं? बस वही है जो शुरू में मैंने बोला कि ये जो पर्टिकुलरली यंग जो है हम लोग का ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश में, उनको मेरा कहना यही है कि आगे जाओ, तो जाके जो है आदमी से मिलो, दुनिया को देखो, आदमी लोग अच्छा है, दुनिया सुंदर है, अलग अलग लोग से मिल के अच्छा लगता है। और यस यही कहना है मेरा, दिस इज़ माई मैसेज। थैंक यू सर। ओके थैंक यू मैम।